नमस्कार दोस्तों, टेस्ट श्रृंखला का अगला पाठ है और उसका पहला प्रश्न है, भारत में तीन सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। अनुक्रम, सही अनुक्रम पे उत्तर लगाना है आपको। तो गेहूं के उत्पादन में ऐसे राज्य जो अनुक्रम से 1-3 पोजीशन पे हों, तो अगर पूरा विकल्प देखेंगे तो इसमें से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है तो आपको बी पे संदेह जा सकता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, लेकिन दूसरे स्थान पे पंजाब आता है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए, पूरे विकल्प को अगर देखा जाए, तो सही क्रम में आपको सी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। पहला प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। भारत में तीन सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में जो सही क्रम है वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से संदर्भित, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के संदर्भ में आपको बात करनी है और इसमें से कौन से कथन असत्य है इस विषय पर जानना है। तो हम असत्य कथनों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से संदर्भित निम्नांकित कथनों में से कौन असत्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये सही है, ये गलत नहीं है। बी, इसकी घोषणा 17 अगस्त 1999 को किया गया था, ये भी सही है। सी, इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था, यह भी सही है। डी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वर्ष 1985 के वर्ष को घोषित किया गया था, यह भी सही है। इसका मतलब यह है कि इसमें से कोई असत्य नहीं है, इस कारण दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है। तो विकल्प दिया है तीसरा, चौथा, पांचवा और पहला, और फिर ई उत्तर दिया, माने ई विकल्प दिया है। तो बिहार का स्थान इसमें सेकेंड पोजीशन पे आता है। बिहार, मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान सेकेंड पोजीशन पे आता है, लेकिन इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, पहला है। ठीक है, इस कारण से उत्तर यहाँ ई हो जाएगा। नहीं, मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, इस कारण से यहाँ पे ई उत्तर आपको लेना पड़ेगा। दूसरा इसमें विकल्प कहीं नहीं है, तीसरा, चौथा, पांचवा और पहला है। चौथा है आपका नैवेद्यम है, नैवेद्यम है। तो इसमें देखिएगा कि नैवेद्यम क्या है, इस चार विकल्प में से कौन सा सही उत्तर है। तो नैवेद्यम है महावीर मंदिर पटना के प्रसाद का नाम, एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा, श्री कृष्ण के बांसुरी का नाम है, एक दवा कंपनी का नाम है। तो भाई साहब, नैवेद्यम जो है उसका उत्तर ए हो जाएगा, महावीर मंदिर पटना के प्रसाद का नाम है। ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि इसको भोग प्रमाण पत्र मिला है भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को अगर देखें दोस्तों, तो देखिएगा बिहार सरकार ने जो मिशन 5.0 का संबंध किससे है, ऑनलाइन शिक्षा से, वृक्षारोपण से, पशु टीकाकरण से, कोविड 19 अस्पताल से। इसमें उत्तर आपका बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध सीधे वृक्षारोपण से है, ध्यान रखिएगा, है ना। वृक्षारोपण को लेकर तो बिहार सरकार का एक मुहिम ही चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की जाएगी बिहार के अंदर। उत्तर इसका आपको गोपालगंज लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर चले तो इसमें प्रश्न है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को कितने रुपए का अनुदान, अनुदान शब्द पे आइएगा, अनुदान देने की घोषणा की गई है, मतलब सब्सिडी 5 लाख इसका उत्तर हो जाएगा। हालांकि कुल तो आप 10 लाख तक की घोषणा है, लेकिन अनुदान की जब तक बात जो है वो 5 लाख है, सब्सिडी की बात जो है वो 5 लाख रुपए की बात की गई, इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहजानंद सरस्वती की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा है ना, सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा जिसे अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, वो है मेरा जीवन संघर्ष।
सी उत्तर होगा। सहजानंद सरस्वती की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन संघर्ष, आप याद रखिए, है ना, चर्चा में थे इस वजह से ये हमने सवाल पूछा है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो नारे का जन्मदाता भारत छोड़ो नारे का जन्मदाता, दोस्तों अगर ये प्रश्न सबसे पहले पूछ दिया जाए कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, आम तौर पे आपका ध्यान महात्मा गांधी की ओर जाएगा, जबकि इसका उत्तर होगा यूसुफ मेहर अली, सी उत्तर हो जाएगा। ये भी एक स्वाधीनता सेनानी थे यूसुफ मेहर अली, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने दिया था। विकल्प में पंडित जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। बिहार में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा। तो भारत छोड़ो नारा का जन्मदाता जो है या पहली बार जो नारा ये दिया था वो थे यूसुफ मेहर अली। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ काफ़ी सहयोगात्मक सहयोग किया था उन्होंने गांधी को। नेक्स्ट है साइमन गो बैक, ये भी नारा जो है किसने दिया था, इस नारा का जन्मदाता कौन था सबसे पहले। तो इसमें भी ऐसे प्रश्न में भी आपका ध्यान कहाँ जाएगा, लाला लाजपत राय पर जाएगा, जबकि साइमन गो बैक का नारा के जन्मदाता लाला लाजपत राय नहीं थे। और इसमें भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विकल्प में, इन चारों में से कोई नहीं था, क्योंकि इसका उत्तर इसलिए हो जाएगा कि इसका भी साइमन गो बैक नारे का भी जन्मदाता जो है वो भी यूसुफ मेहर अली ही है, यूसुफ मेहर अली, ठीक है। तो यूसुफ मेहर अली को ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो का नारा और साइमन गो बैक का नारा, दोनों नारे का जन्मदाता यूसुफ मेहर अली है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और दोनों प्रश्न ऐसे कि पूछ देगा तो 99% स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, भारत छोड़ो पे गांधी जी पर ध्यान जाएगा और साइमन गो बैक की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय पे जाएगा, जबकि इस दोनों का नारा सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने दिया था। दोस्तों ठीक है, आज इतना ही, नमस्कार।